हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा उन सभी लोगों को जो मेरे को कमेंट्स करके बताते हैं कि उन्हें कौन से टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए। रिसेंटली एक कॉमन टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास कुछ कमेंट्स आए, तो कमेंट्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का कमेंट बेस्ड वीडियो है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। किसी भी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताता है कि उस सिस्टम में कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है अपने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अगर किसी सिस्टम में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है अपने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अगर किसी सिस्टम में 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है अपने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में सिर्फ एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जो पूरे सिस्टम के वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करती है, और 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम में 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी जो सिस्टम के पूरे वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। अब हम कंसीडर करेंगे एक आइडियल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम स्प्रिंग मास सिस्टम, जिसके अंदर 2 मासेस होंगे जिनका मास होगा m1 और m2, और 3 स्प्रिंग्स होंगी जिनकी स्टिफनेस होगी k1, k2 और k3। m1 M2 स्प्रिंग 1 की स्टिफनेस है K1, स्प्रिंग 2 की स्टिफनेस है K2 और स्प्रिंग 3 की स्टिफनेस है K3। मास M1 का डिस्प्लेसमेंट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से है X1 और मास M2 का डिस्प्लेसमेंट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से है X2। अब इस सिस्टम के इक्वेशन ऑफ मोशंस निकालने के लिए हमें ये अज्यूम करना होगा कि x1 इज ग्रेटर देन है x2। आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन है x1। x1 इज ग्रेटर देन है x2, इसका मतलब ये है कि हम मास m1 को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और मास m1 के डिस्प्लेसमेंट की वजह से मास m2 में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। X2 is greater than X1 का मतलब है कि हम मास M2 को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और मास M2 के डिस्प्लेस होने की वजह से मास M1 में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों ही अजम्पशंस से हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस सेम मिलेंगी, तो हम किसी भी एक अजम्पशन का यूज लेके इस सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम दोनों केसेस में से किसी एक केस को चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं सबसे पहले केस को चूज करता हूं, यानी कि x1 is greater than x2। अगर x1 is greater than x2 है, तो इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लीजिए। x1 is greater than x2 का मतलब है कि हम मास m1 को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और इसके डिस्प्लेसमेंट की वजह से मास m2 में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं मास m1 को डिस्प्लेस करता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब जैसे ही मैं मास m1 को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूंगा, उसी समय स्प्रिंग 1 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, और इसी वजह से स्प्रिंग 1 का रिएक्शन फोर्स यानी कि स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसी तरीके से जब मैं मास m1 को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूं, इस वजह से स्प्रिंग 2 के अंदर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसी वजह से स्प्रिंग 2 का रिएक्शन फोर्स यानी कि स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन के ऑपोजिट यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब जैसे ही मैं मास m1 को डिस्प्लेस कर रहा हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग 2 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है, और मास m2 पर एक फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से मास m2 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो मास m2 पर स्प्रिंग 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से मास m2 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, और मास m2 का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा।
अब जैसे ही मास m2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, उसी समय स्प्रिंग 3 के अंदर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा, और इसी वजह से स्प्रिंग 3 का रिएक्शन फोर्स यानी कि स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन के ऑपोजिट यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब हम दोनों मासेस पे लगने वाले स्प्रिंग फोर्सेस को कंप्यूट करेंगे। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्प्रिंग 1 की स्टिफनेस है K1 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है X1। स्प्रिंग 2 की स्टिफनेस है K2 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। अब ध्यान दीजिए ये K2 जो स्प्रिंग है ये मास M1 और मास M2 की कॉमन स्प्रिंग है, इसलिए जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा X1 - X2। X1 - X2 इसलिए क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि X1 ग्रेटर देन है X2 से। अगर हम ये अज्यूम करते कि X2 ग्रेटर देन है X1 से तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाता X2 - X1। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग 3 की। स्प्रिंग 3 की स्टिफनेस है K3 और डिस्प्लेसमेंट है X2। अब हम इन दोनों मासेस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये दोनों मासेस स्प्रिंग एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम के अंदर लीनियर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और लीनियर वाइब्रेशंस में इक्वेशन ऑफ मोशन की जनरल फॉर्म होती है MX" (algebraic sum of all the forces) acting on mass तो मास 1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी M1, एक्सेलरेशन क्या है X1 = अब हम जो मास 1 पे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम करेंगे। तो मास 1 पे ये दो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, अब इन दोनों को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो इन दोनों में से जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इन दोनों में से जो फोर्स एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो ये फोर्स इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। तो -K1 X1, और ये वाला एक्सटर्नल फोर्स भी इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम इसको भी नेगेटिव लेंगे, -K2 X1 - X2। इसको सॉल्व कर लीजिए, -K1 X1 - K2 X1 - (+K2 X2) M1 X1 - कॉमन ले लेंगे हम K1 + K2 X1 + K2 X2 M1 X1 (". इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो +K1 + K2 X1 = K2 X2। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इस मास M2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो मास M2 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, M2 एक्सेलरेशन क्या है X2 (". अब जो फोर्सेस इस एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में है उनको हम लेंगे नेगेटिव, और जो फोर्सेस इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है उनको हम लेंगे पॉजिटिव। तो ये फोर्स इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए हम इस फोर्स को लेंगे पॉजिटिव, K2 X1 - X2। और ये वाला फोर्स इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हम इसको लेंगे नेगेटिव, -K3 H2। M2 X2 K2 X1 - K2 X2 - K3 X2
2 x2 डबल डॉट इज इक्वल्स टू k2 x1, इन दोनों टर्म्स में से x2 कॉमन ले लीजिए, माइनस x2 k2 प्लस k3 एंड 2 x2 डबल डॉट, इस पूरी टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे, प्लस k2 प्लस k3 x2 इज इक्वल्स टू k2 x1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हमको इन दोनों मासेस की इक्वेशन ऑफ मोशन मिल चुकी है, ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब मैं ये अज्यूम करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट x1 का सॉल्यूशन है x1 sin omega t और डिस्प्लेसमेंट x2 का सॉल्यूशन है h2 sin omega t। इधर x1 और h2 दोनों मासेस का एम्पलीट्यूड है और ओमेगा दोनों मासेस की फ्रीक्वेंसी है जो कि सेम है। अब हम इस x1 और h2 का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x1 का डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वन ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और एक्स टू का डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब हम इन सारी वैल्यूज को पहले इक्वेशन वन में पुट करेंगे और फिर इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे। सबसे पहले हम इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन वन में पुट करते हैं। तो एम वन x1 डबल डॉट की वैल्यू क्या है, माइनस x1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो माइनस x1 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस k1 प्लस k2 x1 की वैल्यू क्या है, x1 साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू K2, X2 की वैल्यू क्या है, X2 sin omega t। sin omega t इन सभी टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, M1 X1 omega स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2 X1 इज इक्वल्स टू K2 X2, ठीक है। अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन में से X1 को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2 X1 इज इक्वल्स टू K2 X2। इस इक्वेशन से X1 अपॉन X2 क्या हो जाएगा, X1 अपॉन X2 इज इक्वल्स टू K2 डिवाइडेड बाय माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर प्लस के वन प्लस के टू। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो क्या होगा देखिए, x2 की वैल्यू क्या है, x2 डबल डॉट की, माइनस x2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी,
ठीक है, प्लस के टू प्लस के थ्री, एक्स टू की वैल्यू क्या है, एक्स टू साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू के टू, एक्स वन की वैल्यू क्या है, एक्स वन साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस इक्वेशन में से साइन ओमेगा टी का एक्सप्रेशन कॉमन आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, एम टू एक्स टू ओमेगा स्क्वायर प्लस के टू प्लस के थ्री एक्स टू इज इक्वल्स टू के टू एक्स वन। ठीक है, इस इक्वेशन में से एक्स टू को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर प्लस के टू प्लस के थ्री एक्स टू इज इक्वल्स टू के टू एक्स वन, और एक्स वन अपॉन एक्स टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल्स टू माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर प्लस के टू प्लस के थ्री डिवाइडेड बाय के टू। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फोर। अब देखिए इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर को इक्वल पुट करेंगे हम तो क्या होगा, के टू डिवाइडेड बाय माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर प्लस के वन प्लस के टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर प्लस के टू प्लस के थ्री डिवाइडेड बाय के टू। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, के टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर प्लस के टू प्लस के थ्री इंटू माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर प्लस के वन प्लस के टू। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए के टू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम वन एम टू ओमेगा फोर। ठीक है, उसके बाद माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर इंटू के वन प्लस के टू माइनस एम टू ओमेगा स्क्वायर इंटू K1 प्लस K2। इसी तरीके से माइनस एम वन ओमेगा स्क्वायर इंटू के टू प्लस के थ्री इंटू के टू प्लस के थ्री, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, प्लस के टू प्लस के थ्री इंटू के वन प्लस के टू आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, देखिए के टू स्क्वायर इज इक्वल टू एम वन एम टू ओमेगा फोर, इन दोनों टर्म्स में से माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, माइनस एम टू के वन प्लस के टू प्लस एम वन के टू प्लस के थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, के टू के वन प्लस के टू स्क्वायर प्लस के थ्री के वन एंड प्लस के थ्री के टू। इस इक्वेशन की तरफ ध्यान दीजिए,
के टू स्क्वायर से के टू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को हम वापस लिखेंगे, ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी वो देखिए, m1 m2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी m1 m2 ओमेगा 4, ओमेगा 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस m2 k1 प्लस k2 प्लस m1 k2 प्लस k3 ओमेगा स्क्वायर प्लस के टू के वन प्लस के थ्री के वन एंड प्लस के थ्री के टू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फाइव। अगर आप इस इक्वेशन की तरफ ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, यानी इस इक्वेशन से हमें ओमेगा की दो वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, और इसीलिए हम इस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर फाइव को फ्रीक्वेंसी इक्वेशन भी बोलेंगे। अब सिस्टम के बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक स्पेशल केस कंसीडर करेंगे, जिसके अंदर हम ये मानेंगे कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट दोनों बॉडीज का मास यानी कि एम वन और एम टू इक्वल है, जिसको हम m कंसीडर करेंगे, और साथ ही साथ ये भी मानेंगे कि स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 3 की स्टिफनेस यानी कि k1 और k3 भी इक्वल है, जिसको हम k कंसीडर करेंगे। अब अगर मैं इस केस को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दूं तो इक्वेशन 5 किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी वो देखिए, m1 और m2 इक्वल है यानी कि m है तो m इंटू m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस m2 क्या है m, k1 क्या है k, प्लस k2 है k2, प्लस m1 क्या है m, k2 प्लस k3 क्या है k, ओमेगा स्क्वायर प्लस k2, k1 क्या है k प्लस k3 क्या है k और k1 क्या है k, तो k इंटू k क्या हो जाएगा k स्क्वायर प्लस k3 क्या है k इंटू k2 इज इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2m k प्लस k2 ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के टू के प्लस के टू के क्या हो जाएगा टू के टू के इज इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं इस इक्वेशन में से ओमेगा स्क्वायर को वाई मान लूं तो क्या होगा, लेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, तो क्या होगा देखिए, तो m स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2m k प्लस k2 y प्लस k2 प्लस 2 k2 k। अब आप इजीली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर सिक्स।
इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज लेकर सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, हमें इस इक्वेशन से किसकी वैल्यू पता करनी है, y की, क्योंकि ये इक्वेशन y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक हो चुकी है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, इस इक्वेशन में a क्या है, एम स्क्वायर, ए इज इक्वल टू है एम स्क्वायर। b क्या है, b इज इक्वल टू है माइनस टू एम के प्लस के टू, माइनस टू एम के प्लस के टू। और c क्या है इस इक्वेशन में, c इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस टू के टू के। इस a b और c की वैल्यू इसमें पुट कीजिए तो क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस माइनस टू एम के प्लस के टू, बी की वैल्यू पुट की है मैंने यहां प्लस माइनस अंडर रूट, बी की वैल्यू क्या है माइनस टू एम के प्लस के टू का स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है एम स्क्वायर और सी क्या है के स्क्वायर प्लस टू के टू के। ठीक है, डिवाइडेड बाय टू इंटू ए क्या है एम स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, देखिए इक्वेशन नंबर थ्री को मैं रब नहीं कर रहा हूं क्योंकि इक्वेशन नंबर थ्री का यूज आएगा बाद में, इसलिए मैं इसको यहीं रहने देता हूं। इसको सॉल्व कीजिए आगे तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू प्लस का टू एम के प्लस के टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 4m स्क्वायर k प्लस k2 का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर k2 स्क्वायर प्लस 2k2 k। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए आगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू टू एम के प्लस के टू प्लस माइनस, इन दोनों एक्सप्रेशंस में से 4m स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंडर रूट 4m स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m, तो 2m बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट k प्लस के टू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस टू के टू के। ठीक है, डिवाइडेड बाय टू एम स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू टू एम के प्लस के टू प्लस माइनस टू एम अंडर रूट के प्लस के टू के स्क्वायर को खोल लीजिए तो क्या होगा, के स्क्वायर प्लस
के टू स्क्वायर प्लस टू के टू माइनस के स्क्वायर और माइनस टू के टू के, इसको मैंने माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया माइनस प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस प्लस माइनस टू के टू के डिवाइडेड बाय टू एम स्क्वायर y इज इक्वल टू टू एम, दोनों एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लीजिए तो टू एम के प्लस के टू प्लस माइनस अंडर रूट, इधर देखिए k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और टू के टू के से टू के टू के कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या k टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा k प्लस k2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट k2 स्क्वायर क्या हो जाएगा k2 डिवाइडेड बाय m। अब जैसा कि हमने माना था कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू है y, तो y की जगह ओमेगा स्क्वायर पुट कीजिए तो क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k प्लस k2 प्लस माइनस k2 अपॉन m, ठीक है। इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सिक्स, इस इक्वेशन से हमें ओमेगा की दो वैल्यूज मिल जाएंगी तो ओमेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट के प्लस के टू प्लस माइनस के टू अपॉन एम, ठीक है। अब ओमेगा की दो वैल्यूज निकालने के लिए यानी कि दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज पता करने के लिए हम एक बार K2 को माइनस कंसीडर करेंगे और एक बार K2 को प्लस कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं K2 को माइनस कंसीडर करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी ओमेगा N1 मान लेता हूं मैं, फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम इसको, तो अंडर रूट K प्लस K2 माइनस K2, मैं माइनस कंसीडर कर रहा हूं K2 को, माइनस K2 डिवाइडेड बाय M, तो K2 से K2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओमेगा N1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंडर रूट K अपॉन M, ठीक है। अब ओमेगा N2 की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी तरीके से K2 को प्लस कंसीडर करके, तो ओमेगा N2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट K प्लस K2 प्लस K2 अपॉन M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट k प्लस टू के टू अपॉन m, ठीक है। तो ओमेगा n2 की भी वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब इस ओमेगा n1 और ओमेगा n2 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे, पहले हम ओमेगा n1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे और फिर ओमेगा n2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे और ये देखेंगे कि x1 और x2 का रेशियो क्या आता है। तो सबसे पहले हम ओमेगा एन वन की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे। हमने इसी के साथ एक और इक्वेशन भी निकाली थी इक्वेशन नंबर फोर, आप उसमें भी ओमेगा एन वन और ओमेगा एन टू की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यानी कि हमें या तो इक्वेशन नंबर फोर में वैल्यू पुट करनी है या इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करनी है। मैं इक्वेशन नंबर थ्री में वैल्यू पुट कर रहा हूं ओमेगा एन वन की, तो क्या होगा देखिए, x1 upon x2 is equals to k2 minus m1
ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा n1 की वैल्यू पुट करूं अगर मैं, यानी कि ओमेगा की फर्स्ट वैल्यू यानी कि फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करूं, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अपॉन एम का स्क्वायर प्लस के वन प्लस के टू। एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल्स टू के टू अपॉन माइनस एम वन अंडर रूट k अपॉन m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, k अपॉन m प्लस k1 प्लस k2। अब हमने एक केस कंसिडर किया था जिसके अंदर हमने माना था कि m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू है m और k1 इज इक्वल्स टू k3 इज इक्वल्स टू है k। तो अगर मैं इस केस को इस इक्वेशन में पुट करूं तो क्या होगा, x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू K2 अपॉन माइनस M1 क्या हो जाएगा, M K अपॉन M प्लस K1 क्या हो जाएगा, K प्लस K2। ठीक है, इधर M से M कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, X1 अपॉन X2 इज इक्वल्स टू K2 अपॉन K2। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा, इस इक्वेशन से हमें x1 अपॉन x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू k2 अपॉन k2 क्या हो जाएगा, प्लस 1। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 7। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में ओमेगा n2 की वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा की जगह, तो क्या होगा, देखिए x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू के टू माइनस एम वन, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा इन टू की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो क्या होगा, अंडर रूट के प्लस टू के टू अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस के वन प्लस के टू प्लस K1 प्लस K2। ठीक है, तो X1 अपॉन X2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू K2 अपॉन, अगर मैं इस केस को इस इक्वेशन में पुट करूं तो क्या होगा, देखिए M1 क्या हो जाएगा, M माइनस M1 क्या हो जाएगा, माइनस M अंडर रूट k प्लस टू के टू अपॉन एम का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, k प्लस टू के टू अपॉन एम प्लस के वन क्या हो जाएगा, k प्लस के टू। अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा k2 अपॉन माइनस k प्लस 2k2 एंड प्लस k प्लस k2। आगे सॉल्व कीजिए इक्वेशन को, तो क्या होगा, x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू k2 माइनस k माइनस 2k2 प्लस k प्लस k2, माइनस k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस 2k2 प्लस k2 क्या हो जाएगा, माइनस k2। तो
एक्स वन अपॉन एक्स टू का रेशियो क्या आएगा, के टू अपॉन माइनस के टू। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, एक्स वन अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर एट। इक्वेशन नंबर सेवन से हमें यह पता चलता है कि जब सिस्टम के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा एन वन, तो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट दोनों मासेस यानी कि m1 और m2 के एम्पलीट्यूड का रेशियो होगा प्लस वन। और इक्वेशन नंबर एट से हमें यह पता चलता है कि जब सिस्टम के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा एन टू, तो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट दोनों मासेस के एम्पलीट्यूड का रेशियो होगा माइनस वन। ये दोनों इक्वेशन यानी कि इक्वेशन नंबर सेवन और इक्वेशन नंबर एट बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज लेकर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम का मोड शेप बनाना सीखेंगे। तो जैसे ही मैं वो लेक्चर अपलोड करूंगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।